शंकर आईएएस से हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सेशन चल रहा है, जिसमें ये जो चैप्टर है वो हमारा था इंटरनेशनल लॉज पे, जो कि एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और जितने कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो इस चैप्टर को हमने बोला था कि तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कुछ हम पढ़ेंगे और रेस्ट जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। आज का फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसको पेज भी बोलते हैं। तो पेज कब लॉन्च हुआ था? पेज लॉन्च हुआ था 2013 में, जब Rio+20 डिक्लेरेशन हुआ था, यानी 2012 में जब अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसके बाद ये पेज निकल के आया था, ठीक है। और 2012 में निकल के आया था, और 2013 में जो पेज है वो लॉन्च हुआ था। तो इसका यही मोटिव था, द फ्यूचर वी वॉन्ट, मतलब कैसा फ्यूचर हम चाहते हैं। तो इस पे डिस्कशन हुआ था। द Rio+20 डिक्लेरेशन कॉल्ड अपॉन द यूएन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ऐड इंटरेस्ट कंट्रीज इन डेवलपिंग एडॉप्टेशन इन इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी, मतलब द फ्यूचर वी वॉन्ट, हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं जो कि ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी और उसके स्ट्रेटजी पे बेस हो। तो उसके बाद निकल के आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 एजेंडा है, 2030 का मीनिंग है कि 2020 तक, 2030 तक ये एजेंडा था कि इतने सारे गोल्स को पूरा करना है, इसलिए इसको 2030 एजेंडा बोलते हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिर यहाँ से निकल के आया, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 से लागू किया गया, और 2030 तक, यानी 15 साल तक, ठीक है। तो इस पे स्पेशली देखें कि इस पे फोकस किया गया था, स्पेशली फोकस किया गया था प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रमोटिव प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आठवां है, आठवें गोल पे इस पे ज़्यादा फोकस किया गया हुआ था, ठीक है। तो पेज किसको किसको ब्रिंग करता है, किसके साथ मिलकर काम करता है? UNEP, ILO, UNIDO, UNDP एंड UNITAR, ठीक है। तो इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं, ILO का क्या फुल फॉर्म है। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO का फुल फॉर्म है UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और UNITAR का फुल फॉर्म है UN इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इन सब के साथ मिलके पेज जो है वो जो है काम करता है, एक्सरसाइज करता है। तो इस पे पेज पे पूछा गया सवाल है, 2018 में पूछा गया था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज ये ए यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड्स द ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक इमर्ज्ड एट 2018, ठीक है। तो कब ये 2018 में पूछा हुआ था, बोल रहा है कि ये पेज कब इमर्ज हुआ था। तो हमने देखा पेज इमर्ज हुआ था Rio+20 डिक्लरेशन में, यानी 2012 में, ठीक है। तो 2012 में हुआ था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2030 एजेंडा भी इसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर 2030 एजेंडा आ जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाए, दोनों एक ही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। द UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज लॉन्च इन 2015, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। द UN 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम एट इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, मतलब सारे फॉर्म्स से पॉवर्टी इरेडिकेट करना, सिक्स टू रियलाइज द ह्यूमन राइट फॉर ऑल एंड अचीव द जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना और पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, और ये इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेन मोटिव है। लेकिन टोटल हम देखें, टोटल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि 2030 तक था, इसलिए इसको एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। तो कौन कौन से वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको हम देखते हैं। पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है, फर्स्ट है नो पॉवर्टी। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन से नंबर पे है, तो पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड है नो हंगर, ठीक है, थर्ड है नो हंगर। इस साल काफ़ी पूछे जाने का चांस है, क्योंकि जिस तरीके हंगर इंडेक्स इंडिया का आया हुआ है, तो इसे पूछ सकता है कि हंगर जो है वो कौन से नंबर पे है, पॉवर्टी भी पूछ सकता है। फिर है गुड हेल्थ, है ना, गुड हेल्थ, COVID-19 के चलते गुड हेल्थ से भी पूछा जा सकता है कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है ये, कौन से नंबर पे है, तो नंबर 3 पे है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन,
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेंडर इक्वालिटी, 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 है क्लीन एनर्जी, 8 है गुड जॉब एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है प्रोड्यूस रिड्यूस द इनइक्वालिटी, लोगों में जो इनइक्वालिटी है उनको रिड्यूस करना, कम करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज़, 11वां है, 12वां है रिस्पॉन्सिबल द कंजम्पशन, और उसके बाद 13वां आता है प्रोटेक्ट द प्लैनेट, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, ये भी इस साल पूछे जाने का चांस है, ठीक है, जिस तरह COVID-19 पूरे प्लैनेट पे जिस पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है तो इसको भी पूछने का चांस है। चौथा है 14th है लाइफ बिलो द वाटर, 15 है लाइफ ऑन द लैंड, 16 है पीस एंड द जस्टिस एंड द 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, और इस साल के लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट तो प्रोटेक्ट द प्लैनेट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ से सवाल पूछा जा चुका है और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में एक एक में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और 2016 में पूछा हुआ है। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय द ग्लोबल थिंक टैंक कॉल द क्लब ऑफ रोम, ये गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है। पहला, सेकेंड स्टेटमेंट है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाई 2030, सेकेंड स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। तो जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहला है जीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड है जीरो हंगर, इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका जो है कि मोटिव है, फर्स्ट मोटिव इसका। जीरो हंगर का मीनिंग क्या है कि हंगर को पूरी तरीके से इलिमिनेट करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ठीक है। दिस वुड भी, फिर ये पूरा कैसे होगा, तो इसके लिए काफ़ी सारे जो प्लान बनाए गए हैं किस तरीके से ये पूरा होगा। पहला है डबलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इनकम, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाएगा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है इंश्योरिंग द सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम, थर्ड है प्रोग्रेसिवली इम्प्रूविंग लैंड एंड द सॉयल क्वालिटी, फिर सेकेंड अगर हम देखें नेक्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन, ये भी इस साल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इस गोल का क्या मोटिव है, इस गोल का मोटिव है कि इंश्योर द अवेबिलिटी एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एंड सैनिटेशन फॉर द ऑल, सबके लिए वाटर अवेबिलिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को इंश्योर करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीन टॉयलेट को प्रोवाइड करना, और एसेसिबल हो जो हाइजीन है, जो टॉयलेट्स है वो एसेसिबल है वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और डिसेबल्ड और एज पर्सन के लिए, तो ये इस गोल का मोटिव है। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 आता है, 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जिस तरीके से उज्ज्वला योजना चलाया गया था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए, तो इसमें है इंश्योर एक्सेस टू द अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड द मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, तो ये इसका मोटिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का हम देखें तो 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज़, ठीक है, और उसके बाद 12 आता है, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन, तो इंश्योर द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन पैटर्न, तो ये 12वां है, ये उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था, कहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्चुअली निकल के कहाँ से आया है, इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें, तो बैकग्राउंड इसका है कि पहले 2000 में एक जो है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक गोल लॉन्च किया गया था जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल 7 गोल हुआ करते थे, तो इसको लॉन्च किया गया था 2000 में, और इसका टाइम पीरियड जो था वो 2000 से 2015 तक था, मतलब 15 साल का था, और उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हटा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आया गया था 2015 में, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2030 तक है, मतलब 15 ईयर्स का है, और इसीलिए इसको 2030 एजेंडा भी बोलते हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन द 2016। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वेयर एट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल फॉर द ईयर 2015। ठीक है, इसमें सॉरी इसमें मैंने 7 बोला, इसमें टोटल 8 थे। तो 8 टोटल क्या थे ये पूछेगा नहीं, तो इसको 8 जो टोटल हैं इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कुछ पूछेगा नहीं। सपोज कहीं आंसर राइटिंग में इंट्रोड्यूस करना हुआ तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकेंड है टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड है टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमन। फोर्थ है टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टैलिटी। फिफ्थ है टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ। सिक्स है टू कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। सेवन्थ है टू इंश्योर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आठवां है टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। एट दिस इज द ऑल 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज लॉन्च इन द 2000 अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को ही फिर रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आया गया था और इसका टाइम पीरियड है 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन टू द ग्रीन इकोनॉमी। 3 प्रायोरिटीज इन ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू ग्रीन इकोनॉमी और क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। पहला है डीकार्बनाइजिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को डीकार्बनाइज करना मतलब कार्बन की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में जो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है उसको रिड्यूस करना। सेकेंड है कमिट द इन्वायरमेंटल कम्युनिटी टू जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, और सी है कंजर्व द बायोस्फीयर। तो ये तीनों जो गोल हैं, ये तीनों जो प्रायोरिटी हैं, ये अंदर किसके आई हैं, ये ट्रांजिशन ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी के अंदर में हैं। तो क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जा सके, तो इनके लिए जो मेजर्स लिए गए हैं उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आंसर राइटिंग हो या फिर ऐसे हो उसमें हम क्लियरली मेंशन कर सकें। फर्स्ट है द एनर्जी ऑडिट कैन रिड्यूस योर बिल्डिंग क्लाइमेट फुटप्रिंट। सेकेंड है सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड है सस्टेनेबल मैनेज्ड फॉरेस्ट। फोर्थ है यूजेज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स टू रिड्यूस द योर डिमांड फॉर द पेपर प्रोडक्ट सो दैट यू कैन यूज द इलेक्ट्रिक फाइल्स सो दैट यू कैन रिमूव द पेपर्स प्रोडक्ट एंड सपोर्ट सर्टिफाइड सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड कार पूलिंग टू टॉकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉकिंग और राइडिंग ए बाइक फॉर द शॉर्ट ट्रिप्स एंड वाइज वाटर यूज डेवलपमेंट ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बाई यूजिंग द सोलर विंड टाइडल विंड एंड कंट्रीब्यूट द ग्रीन इकोनॉमी एंड द मूविंग टूवर्ड्स ए ग्रीन इकोनॉमी हैज़ ए पोटेंशियल टू अचीव ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब हम अडॉप्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा एजेंडा है 2030 तक उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD भी बोलते हैं। CBD इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो द फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हमेशा प्रीलिम्स में कई बार पूछा हुआ है और स्टेट PCS में खासकर यहाँ से पूछता है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, बिकॉज द CBD वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 1992 अर्थ समिट एंड CBD इज द लीगली बाइंडिंग ऑल्सो। दैट्स वाई द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स फॉर ऑल द स्टेट PCS एंड UPSC एज वेल। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द नेशन। सारे नेशंस का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे एट द मेगा लेवल एंड द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए स्टेप टूअर्ड द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। होल वर्ल्ड को इंक्लूड करके इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है CBD के अंदर में। और ये जो ओरिजिनेट हुआ था इट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द 1992 विद इन द अर्थ समिट डिक्लेरेशन इन द 1992 द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ओरिजिनेटेड बट इट इंटर्स इनटू द इफेक्ट इन द ईयर 1993। The convention called upon all the nation to take the appropriate measure for the conservation of the biodiversity and the sustainable utilization of its benefit. So, what was the goal under the CBT? Let's see what was the goal under the CBT and what is the happening that time. So, the three goal was there. First was the conservation of the biological diversity or also called the biodiversity. Second was the sustainable use of its component and third was the fair and equitable sharing of the benefit arising from the genetic resources.
थ्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द सीबीटी. सो इन द प्रीलिम्स माइट इट कैन आस्क दैट व्हाट वर द थ्री कन्वेंशन, व्हाट वाज थ्री गोल व्हिच वाज ओरिजिनेटेड अंडर द सीबीटी. So three goal that is originated under the CBT was the conservation of the biological diversity, sustainable use of its component, and the fair and equitable sharing the of benefit arising from the genetic resources. You have to note that it is a very important fact that the CBT is the legally binding. So UPSC might ask that CBT is the legally binding or non legally binding. So CBT is the legally binding if the parties are assigned is this project. So they are the they will be legally binding and have to do this. ठीक है. So all the UN member state with the exception of the United State. Only the United State is away from this treaty. Otherwise, all the UN members have signed in this convention on the biological diversity. So after the time, two time that this biodiversity CBD was amended, or this amendment are called the Cartagena Protocol and the Nagoya Protocol. What was the Cartagena Protocol and the Nagoya Protocol? Let's see. CBD covers the rapidly expanding field. अब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में डे बाय डे जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बायोसेफ्टी कैसे, वो बायोसेफ्टी है प्रोवाइड करेगा या नहीं, मतलब बायो के लिए वो सही है या नहीं, बायोस्फीयर के लिए, तो इन सारे चीज़ों पर जो एक प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पर इशू उठाने के लिए जो लाया गया था कार्टेजना प्रोटोकॉल. कार्टेजना प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है कि वो सेफ्टी हैं, वो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए कोई ख़तरा नहीं पहुंचाएगा. नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल. नागोया प्रोटोकॉल सेकेंड प्रोटोकॉल था सीबीटी का. फर्स्ट हमने देखा कि कौन सा था, कार्टेजना प्रोटोकॉल. तो सेकेंड प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल है. एंड फर्स्ट इन 2000 में कार्टेजना प्रोटोकॉल आया था, कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी. उसके बाद फिर नागोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में, ठीक है. तो द नागोया प्रोटोकॉल इज अबाउट एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन. तो इसका ये जो गोल है मेन, ये याद रहे क्या है मेन गोल, कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल लोगों के बीच में शेयर हो सके और उनका फेयर यूटिलाइजेशन हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे. तो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन विच हैव आस्क्ड इन द 2016. क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ टर्म्स एसोसिएटेड सीम इन न्यूज़ एंड पूछा है कि कहाँ से ये ओरिजिन है. तो तीन टर्म्स हैं, पहला है अनएक्जिबन कंट्री, सेकंड है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, थर्ड है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. तो पूछ रहा है ये तीनों टर्म्स कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, क्या ये मैच्ड है या नहीं. तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो मैच्ड नहीं है, सेकेंड मैच्ड, थर्ड मैच्ड है, क्योंकि थर्ड मैच्ड है. और यहाँ पे अनेक्स वन कंट्री और सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन ये जो टर्म्स सारे आए हुए थे, ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से. तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट होगा सी. नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड द एग्रीकल्चर, PGRFA. ये भी कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी को दूसरे नाम से बुलाते हैं इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, इसको इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहते हैं. इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन हार्मनी विद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये इंश्योर करता है कि जो सीड बन रहा है, जो सीड जेनेटिक रिसोर्सेज से मॉडिफाई करके न्यू बन रहे हैं, वो फेयर एंड इक्विटेबल हैं और उनका बेनिफिट जो इक्वली जो है वो लोगों के बीच में शेयर हो रहा है. तो इसलिए ये बन के आया था और इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सीड ट्रीटी. इस पर भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी पर. तो इसको हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट. पहला है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. सेकेंड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन. थर्ड है द वर्ल्ड हेल्थ कन्वेंशन. विच ऑफ द एबव इज बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी. कौन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो कौन, तीनों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में इन्वॉल्व होते हैं, तो तीनों ही रिलेटेड हैं. ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं टीप. इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसी को टीप बोलते हैं. तो इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है इसको देखते हैं. इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव
टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, जो भी बेनिफिट मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी यूज़ करने से, जो भी नुकसान पहुँच रहे हैं, तो उसको पूरे ग्लोबल लेवल पे एक जो है अटेंशन लोगों का क्रिएट करना। तो ये 2007 में आया था, यहाँ पे पहले G8 था, G8 मतलब रशिया को बाद में यहाँ से निकाल दिया गया था, तो रशिया भी जब था तो G8 प्लस 5 कंट्री मिल के टीव को जो है इनिशिएट किए थे। तो टीव का क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका काम है एनालाइज टू द ग्लोबल इकोनॉमी बेनिफिट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ग्लोबल इकोनॉमी में बायोडाइवर्सिटी से क्या बेनिफिट हो रहा है उसको एनालाइज करना। सेकेंड था द कॉस्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है तो उसका क्या कॉस्ट होगा। एंड थर्ड है द फेल्योर टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स वर्सेज द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कंजर्वेशन के मेजर्स करने में, प्रोटेक्ट करने में जो भी फेल्योर हो रहा है उसको भी ये चेक करना। तो ये तीनों काम है, मतलब कि पहले तो बताया कि बेनिफिट क्या हो रहा है, दूसरे ये बताएगा कि अगर लॉस हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, और थर्ड की कि क्यों नहीं लोग इसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उनमें प्रोटेक्ट करने में फेल्योरिटी क्या है। तो उसके लिए इस टीम को बनाया गया हुआ था। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टीप के ऊपर जो पूछा गया है 2016 में। देखो 2016 में हमने देखा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला है विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल द इकोनॉमिक्स ऑफ द इको सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टीप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला है इट इज़ द इनिशिएटिव होस्टेड बाई यूनेप IMF एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि ये G8 प्लस 5 कंट्री मिलकर स्टार्ट किए हुए थे, तो पहला गलत है। दूसरा है इट इज़ द ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन द ड्राइविंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है इट प्रेजेंट ऑन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकोगनाइज डेमोस्ट्रेशन एंड द कैप्चर द वैल्यू ऑफ इको सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन जो करेक्ट होगा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। UNFCCC को अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी दैट केम इंटू एग्जिस्टेंट अंडर द एजिज ऑफ द UN। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी जो है ये UN के अंदर में आया था और ये निकला हुआ था अर्थ समिट में। हमें पता है कि अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। तो अर्थ समिट से UNFCCC जो है निकल के आया था और साइंड हुआ था ये 1992 में, सबसे पहले जो है न्यूयॉर्क में। और इसमें अगर 2019 तक देखें तो टोटल 197 मेंबर थे। मेंबर उम्बर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रहे कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था UNFCCC। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन ये था एम टू सेट बाइंडिंग लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस, कि जो भी कंट्री हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज करती हैं, तो उन ग्रीन हाउस रिलीज करने वाली कंट्रियों को लिमिट करना, उनका एक सेट करना कि आप इससे ज़्यादा नहीं लिमिट कर सकते ग्रीन हाउस गैसेज, उसके लिए बन के UNFCCC आया था क्लाइमेट के लिए स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन को। ठीक है, तो ये भी याद रहे कि ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बना था, मतलब कि UNFCCC के अंदर में अब 197 मेंबर्स हैं, तो ये सारे मेंबर हर साल कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे और जो मीटिंग करते हैं उसी को भी उन मेंबर डिसीजन मेकिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का ही कॉप बोलते हैं, जैसे इनका अलग कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, UNCCD का देखें तो अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। तो UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी बनी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो हर साल जो है मीटिंग करती है और कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉप मीटिंग वॉज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन द मार्च 1995। तो पहला कॉप मीटिंग कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। ठीक है, तो उसके बाद से हर एनुअली जो है हर साल इसकी मीटिंग होती है। एंड इसी के मीटिंग के टाइम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स निकल के आए थे, पहला था क्योटो प्रोटोकॉल और सेकेंड था क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कहाँ से याद रहे कि कहाँ से निकला है ये, UNFCCC
मतलब अर्थ समिट से हुआ, अर्थ समिट से निकल के आया यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी के अंदर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ हुई, वहाँ से दो प्रोटोकॉल निकल के आया, क्योटो प्रोटोकॉल एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये कब कब निकला था वो हम देखते हैं। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की जो थर्ड मीटिंग थी, कॉप थर्ड जो थी 1997 में, वहाँ से निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बात हुआ था। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज़ रिमेंबर इट। और उसके बाद जब 2005 में, 2005 में जब जब कॉप की 11 मीटिंग थी, ठीक है, तो उस समय निकल के आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको कनाडा मॉन्ट्रियल या क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, और इसको रेटिफाई किया था 2005 में। तो जो कॉप 11 से निकल के आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 में, ठीक है, और कॉप थर्ड से निकल के आया था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल ज़्यादा पुराना है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बाद में जाके निकला, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो रिसेंट जो मीटिंग हुआ 2019 का, वो चिली में हुआ, सैंटियागो में। नेक्स्ट देखें तो हम, क्रिटिसिज्म भी होता है बहुत सारा यूएनएफसीसी का। तो यूएनएफसीसी का क्रिटिसिज्म क्यों होता है कि पहला, एक तो बोला गया कि नथिंग एक्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा अगर देखें तो इसकी जो भी पॉलिसीज वगैरह थी वो बाइंडिंग नहीं थी, लोग उस पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किए। और दूसरा ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट है इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो कि बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है, इस पर इससे स्कैप कर गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। और उसके बाद 2012 में अगर देखें तो 2012 में कनाडा भी अपने आप को पुल कर लिया, मतलब कनाडा भी अपने आप को इसमें से निकाल लिया। और वहीं जापान, रसिया जो हैं, ये दोनों क्योटो प्रोटोकॉल में साइन ही नहीं किए। तो जो बड़े बड़े ऐसे कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, वो इस पर साइन ना करके कोई स्कैप कर गया, कोई इस पर साइन ही नहीं किया। तो इस तरीके से इसकी फेलोरिटी मानी जाती है कि पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ से निकल के आया था कॉप थर्ड से, ठीक है, कॉप थर्ड की जो यूएनएफसीसी की थर्ड समिट थी 1997 में, उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड इन क्योटो जापान 1997 में, इसको अडॉप्ट किया था, हमने इसको पहले ही देख लिया। इंडिया रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002, इंडिया ने इसको 2002 में रेटिफाई किया, और उसके बाद ये जो है फोर्स में आया था 2005 में, ठीक है। एंड दे आर करेंटली 192 मेंबर्स हैं, कुछ निकल गए तो मेंबर्स जो हैं 197 से 192 हो गए। यूएसए नेवर रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल, जबकि यूएसए एक मेजर इमिटर है, ग्रीन हाउस गैस इमिटर है, जबकि कभी जो है क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन नहीं किया। और कनाडा ने 2012 में इसे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका मेन था गोल क्या था कि फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफियर टू ए लेवल विथ दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। इसका ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना, ठीक है। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि एवरी कंट्री हैव टू बी रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिफर। मतलब कि जो ऐसी कंट्री हैं जैसे कि जो वेल डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि हम देख ले यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, तो इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इमिटर हैं। वो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो उस समय से वो ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज है वही इमिट किए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको थोड़ा राहत देनी चाहिए ताकि वो भी डेवलप हो सके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेस्ड ऑन द कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे है, और इस वजह से जो यूएसए है इस पे कभी साइन नहीं किया, और कनाडा भी 2012 में इसे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तब देखते हैं कि यहाँ जो क्योटो प्रोटोकॉल है इससे कुछ अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स निकल के आए हैं, कमिटमेंट्स निकल के आए हैं। तो पार्टीज़ को किस तरीके से, पार्टीज़ मीन्स कंट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम पे, कौन सा कौन कंट्री रिड्यूस करेगा, कौन कंट्री किसको बेनिफिट या शेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस बेस पे तीन चार जो है कमिटमेंट्स निकल के आए थे, एक ग्रुप बनाए गए कंट्रियों को, उसको हम देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो अनेक्स वन में जो कंट्री रखे गए थे वो डेवलप कंट्री रखे गए हैं, जैसे यूके, यूके, यूएस, रसिया, ठीक है, और इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन जैसे यूक्रेन हो गया, टर्की हो गया, इन सबको रखा गया था अनेक्स वन में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री हो गया, सबको अनेक्स वन में रखा गया। और अनेक्स टू में जो कंट्री आते हैं डेवलप कंट्री ही आते हैं, अनेक्स सेकेंड में वो कंट्री होते हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो डेवलपिंग कंट्री हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है। अनेक्स बी में क्या होता है कि अनेक्स फर्स्ट पार्टीज विद फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट, द फर्स्ट राउंड टारगेट अप्लाई ओवर द फर्स्ट जो राउंड था वो 2008 से 2012 तक था, वो कंप्लीट हो गया था, और सेकेंड राउंड जो चल रहा है अभी 2013 से 2020 तक, ठीक है, तो ये कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट था ग्रीन हाउस गैस इमिशन का। एनेक्स जो नॉन एनेक्स वन में है इसमें नॉन बाइंडिंग टारगेट रखे गए हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, मतलब जो ऐसे कंट्री हैं जो कि लो इनकम वाले हैं तो ये डेवलपिंग कंट्री हैं उनको इसमें रखा गया है, इनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्री मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर हैं, फिर भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है डेवलप कंट्री के द्वारा, इसलिए यूएस इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। सो व्हाट इज द कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो कमिटमेंट पीरियड क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का देखें तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो था वो 2008 से 2012 तक था, ठीक है, और फिर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक है, और 2012 में ही इसको अमेंड किया गया था दोहा में, इसलिए इसको दोहा अमेंडमेंट टू द प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, और यहीं से जो है कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था दोहा से, ठीक है, और जापान, न्यूजीलैंड और रसिया हैड पार्टिसिपेट इन क्योटो फर्स्ट राउंड, लेकिन सेकेंड राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जापान, न्यूजीलैंड और रसिया ने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए माना जाता है जो सेकेंड राउंड है जो 2013 से 2020 तक है उसको फेल माना जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि टारगेट 2020 तक का था, तो इसलिए इस साल पूछा जा सकता है इस क्योटो प्रोटोकॉल से सवाल। और चाइना और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट जो है इसमें कभी पार्टिसिपेट जो है इसका विरोध किए क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये जो लीगली बाइंडिंग हो, जो CO2 इमिशन का है वो लीगली बाइंडिंग है। तो द क्योटो प्रोटोकॉल इमिशन टारगेट अगर हम देखें तो क्या क्या है, कौन कौन से गैस को कम करना है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ग्रुप ऑफ द परफ्लोरोकार्बन, इन सारे गैसेस को जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो लाया गया था उसके अंडर कम करने के लिए बात किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है कि सपोज कोई ऐसी कंट्री है जो कि जिसको टारगेट दिया गया था कि 100 से ज़्यादा ये क्रेडिट से ज़्यादा ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन उसने 110 प्रोड्यूस कर लिया, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि ऐसी कंट्री फिर क्या कर सकती है, तो मतलब इनका जो मैकेनिज्म है वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे कर दिया। तो इसके अंदर में तीन था, एक तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जिसको CDM बोलते हैं, दूसरा है इमिशन थ्रू ट्रेडिंग एंड थर्ड है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये है कि सपोज जो है कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये फाइनेंस क्या कर रही है कि ये इंडिया को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जो है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या कोई ऐसी एनर्जी जनरेट करे जो कि कार्बन कम प्रोड्यूस करती हो या कार्बन नहीं प्रोड्यूस करता हो, तो इसके बदले में जो ऑस्ट्रेलिया है उसको एक क्रेडिट, एक जो है कि कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन मिल जाएगा, मतलब CER एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसने इंडिया को हेल्प किया इतने जो है टन कार्बन रिडक्शन में, तो इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये एक दिखा सकता है लाके कि हमने इतना ज़्यादा हेल्प किया है, हमने जितना ज़्यादा कार्बन प्रोडक्शन जो है कम किया हुआ है, तो इसी को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट या सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग जो है इसमें भी इसी तरीके का कुछ है कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट जो है एक
कार्बन क्रेडिट और इसी को कार्बन ऑफसेट भी बोलते हैं। इस नाम से कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, कार्बन ट्रेडिंग हो या कार्बन ऑफसेट हो। ए ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट, इसमें भी एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरीके से हमने CER को देखा है, इसमें भी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, CDM क्या होता है, CER क्या होता है, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये सब किस लिए है, क्या हेल्प करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और थर्ड हमने देखा था क्या है कि जो है कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन जैसे ज्वाइंट है वैसे कोलैबोरेटिव फॉर्म में इस पे काम किया जाता है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इमिशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, ये सही है, अभी हमने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये बनाया गया था। सेकेंड है कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर इमिशन कोटा, मतलब कार्बन क्रेडिट उनको दिया जाता है जो कि मान लो सपोज 100 कोई 100 जो है कि टन जिनको CO2 प्रोड्यूस करना था, लेकिन उस कोटा दिया गया था कि आप 100 टन CO2 से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उसने कम ही प्रोड्यूस किया तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिससे वो मान लो कि नेक्स्ट टाइम पे वो उतना कार्बन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्लोबल द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन इमिशन कोटा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन जो डी है कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट ए प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बन जो क्रेडिट प्राइस है ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज है ना, तो ये कभी फिक्स नहीं होता, ये कभी फिक्स नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो क्या है बेनिफिट, क्या है फ्लेक्सिबल जो मार्केट है उनके, तो फ्लेक्सिबल मार्केट जो है उनके बेनिफिट यही है कि सपोज़ कोई कंट्री मेजर नहीं कर पाई और वो बाद में पता चलता है कि उसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, तो ऐसे टाइम पे वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल मार्केट जो है प्रोवाइड करना उसके लिए बेनिफिट होगा। और अगर सपोज कि कोई अगर ऐसी कंट्री है जिसको ज़्यादा अपनी इकॉनमी पर फोकस करना है और सिचुएशन है फर्स्ट इकॉनमी पर फोकस करे, तो इकॉनमी फोकस करने के लिए उसको सपोज ग्रीन हाउस गैसेज उतना निकालने पड़ते हैं, तो ऐसे में वो दूसरे कंट्री का सपोर्ट करके वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस कम करवा के एक क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के जो हैं उदाहरण, कुछ एग्जांपल हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ UNFCCC समिट पोस्ट क्योटो, मतलब पोस्ट क्योटो के बाद क्या हुआ।